हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 7 बज रहे हैं, तो काम तो सब हो गया। 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। सारा काम करने के बाद मैं पूजन करने के लिए आ गई हूँ। कार्तिक मास ख़त्म हो गया है तो, और आज वैसे भी मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल जाना था, तो स्कूल नहीं जाना है, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गया है। तो मैं पूजन करने के बाद, नाश्ता करने के बाद हॉस्पिटल जाऊंगी। अंश चले गए हैं स्कूल, ये छोड़ने के लिए गए हैं, और अभी मैं पूजन कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। ये देखिए, पूजन हो गई है, पाठ भी हो गया है, नाश्ता तो बना ही लिया था मैंने, मतलब नहाने के बाद नाश्ता बनाया, उसके बाद मैंने पूजन की है। तो अंश चले गए हैं स्कूल, हम दोनों भी नाश्ता कर लेते हैं, फिर ये मुझे हॉस्पिटल छोड़ेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे। यूँ एम्स हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखानी, और ये देखिए कितनी लंबी भीड़ लगी, लेकिन मेरा नंबर लग गया है, 31 नंबर है। ये भी मेरे साथ हैं, गाड़ी लगाने के लिए गए हैं। अंदर जाती हूँ, देखते हैं। देखिए भीड़। ये देखिए, ये ऑफिस के लिए रेडी होकर आए थे लेकिन गए नहीं। मैंने बोला था कि मैं दिखा लूँगी डॉक्टर को, लेकिन बोले नहीं मैं भी साथ चलूँगा। तो हम दोनों साथ में ही हैं। दवाइयाँ लेकर आ गई हूँ, ये देखिए, वापस मैडम को दिखाने के लिए जाना है। स्किन में प्रॉब्लम हो गई, वो 2-3 महीने से कंटिन्यू लगातार मुझे डॉक्टर के पास आना पड़ रहा है। अभी स्किन के लिए आई हूँ, पहले फीवर के लिए आई थी, इससे पहले सर्दी के लिए आई, तो कुछ ना कुछ 2 महीने से चल ही रहा है। परेशान हो गई हूँ मैं, मतलब डॉक्टर को दिखा दिखा के थकान भी हो जाती है। और ये मैंने मना किया था, आप मत आओ मेरे साथ, मैं खुद दिखा लूँगी, लेकिन नहीं माने, हमेशा मेरे साथ ही जाएंगे, मानते नहीं है। मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर को नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ चलती है। दिखा दिया है डॉक्टर को, अब घर जा रही हूँ। अभी तो बैंक जाना है, कुछ काम है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ गए थे नाश्ता करने के बाद, लेकिन फिर भी टाइम हो गया है, 12:30 बज गए यहीं, और बैंक का कुछ काम है तो वहाँ पर जाना है। इतना लंबा टाइम हो जाता है, मतलब अगर आप इस हॉस्पिटल में आती हैं तो अपना टाइम निकाल कर आएँ, तभी हो सकता है। मैंने अपना ट्रीटमेंट तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही करवाया था, लेकिन यहाँ पर स्किन प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने सोचा यहाँ बेस्ट रहेगा। ये देखिए मेरी न्यू हेयर स्टाइल। हम दोनों 3 बजे घर आए थे, उसके बाद फिर खाना आना खाया और थोड़ी देर में लेट गई थी। और ये शाम का व्लॉग है, तो मैं आपको अपनी हेयर स्टाइल बना रही हूँ कि देखिए मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, थोड़ी ठीक लग रही थी मुझे तो। खाना पीना हो गया, और ये देखिए मच्छरदानी भी लगा ली है। मच्छरदानी इसलिए क्योंकि अभी मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और पिछली अभी जुलाई में मुझे डेंगू भी हो गया था, तो थोड़ा से केयरफुल रहना पड़ता है, तो मच्छरदानी लगा ली है। बाकी फ़ैन तो चलता है, लेकिन फिर भी मच्छरदानी लगा लेते हैं, और अगर मच्छर ज़्यादा हैं तो ज़रूर केयरफुल रहें, क्रीम लगा लें मच्छर वाली, या फिर मच्छरदानी लगाएं, और मैं रेडी हो जाती हूँ। वैसे घर में तो सर्दी नहीं है, अंदर बिल्कुल भी नहीं लग रही है, लेकिन बाहर मार्केट में जाएंगे तो रास्ते में सर्दी लगेगी, तो मैं स्वेटर पहन लेती हूँ, और मेरा थोड़ा सा चेहरा अलग डिफरेंट लग रहा है। ये देखिए अंश अभी मूवी देख रहे हैं, वो पता नहीं कौन सी मूवी है, और यहाँ रेडी भी हो रहा है। ये देखिए, पापा जी भी शुक्रवार के दिन वापस चले गए, 10-12 ही दिन रुके थे, और क्योंकि कुछ काम था इसलिए उनको जाना पड़ा, और हम लोग रेडी होकर मार्केट के लिए निकल गए हैं। मार्केट में भी बहुत भीड़ रहती है, लेकिन आना ज़रूरी था, क्योंकि सिर्फ ऐसा फिर मुझे क्या, संडे के दिन अगर सामान खरीदने जाओ सब्ज़ी, तो फिर सुबह बहुत जल्दी रहती है मंडे में, तो फिर धुल के रखना और फिर मुरझा जाती है, मतलब जो सब्ज़ी ऐसी रहती है ना, कुछ डायरेक्ट ला के फ्रिज में धोकर फ्रिज में रख दो तो थोड़ा ठीक है। सुपर मॉल है वहाँ पर, ये पास में यही है सर के, तो यहीं आ गए हैं आंसर में, ये भी आए हैं। पहले सिंगाड़े का आटा देखो, बिस्किट नहीं, पहले सिंगाड़े का आटा देखो कहाँ है। सुपरमार्केट में मैं पहली बार आई हूँ, तो यहाँ मुझे सामान ही नहीं दिख रहा है। मुझे सिंगाड़े का आटा लेना था, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जहाँ जाते रहते हैं वहाँ की हमको आदत रहती है, और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे बहुत कुछ और यहाँ से लेने में दिक्कत हुई, तो मैंने बोला कि इस अगली बार से यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि जहाँ जाते रहते वहाँ की एक हैबिट में रहती, सामान पता रहता है, तो फटाफट जाओ और लेकर आ जाओ। यहाँ से ज़्यादा कुछ सामान ही नहीं खरीद पाते, क्योंकि सामान ढूंढने में दिक्कत हो रही थी फ़र्स्ट टाइम गए थे, तो फिर मैंने बोला अगली बार नहीं आएंगे, और जो ज़रूरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि लेना ही है, तो बस वही लिया,
और इसके बाद हम सब्जी मंडी चले गए थे सब्जी लेने के लिए। कलरफुल चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं, देखिए यहाँ पर फ्लावर रखे हैं सभी प्रकार के, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मार्केट में इस साइड से हम पहली बार ही आए हैं। यहाँ पर मैं निकल रही थी तो इयर रिंग देखने लगी थी, ये गुस्सा कर रहे थे जब तुमको पहनना नहीं रहता तो क्यों फालतू खरीद कर रखना है। अब पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती थी, हमेशा गोल्ड के पहनती थी, लेकिन अब कभी कभार यहाँ जाना होता है तो मैं पहन भी लेती हूँ, क्योंकि गोल्ड के बड़े यहाँ से कभी पहन नहीं सकते हो, तो ये अगर आर्टिफिशियल रहते तो पहनने के काम तब भी आ जाते हैं। सब्जी मंडी, हाँ इधर, हाँ ले लेंगे अभी, ले लो यहाँ पे ऑनलाइन। आगे वाली शॉप पर कितने लोग होंगे? चलो उधर पहले वो ले लेते हैं, सब्जियाँ ले लें फिर ले लेंगे फल। फल नीचे क्या दब जाते हैं तो फिर खराब हो जाएंगे। आंवला और नींबू भी दिख गए थे और मुझे फ्रेश लग रहे थे आंवले, छोटे जो देसी रहते हैं ना वही थे, छोटे छोटे आंवले थे। इनका अचार बहुत अच्छा डलता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो नींबू तो मैंने अचार डालने के लिए नहीं लिए, लेकिन आंवला ले लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो, और मैं इनका अचार कल ही रख दूंगी। ये देखिए गन्ना ले आए, ज़्यादा नहीं लेकर आए हैं, 2 ही लेकर आए, क्योंकि खाने के लिए फिर अंश को भी सर्दी हो जाती है। और ये देखिए खिले में ही लग गए। मुँह हाथ धो, कपड़े चेंज करो बेटा।